हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल व्लॉग्स विद केपी। तो आप सब कैसे हो? आई होप बहुत अच्छे होंगे। हम सब भी अच्छे हैं, ठीक है। तो चलिए आज और अभी से आज के ये छोटा सा व्लॉग आप लोगों को साथ में लेके स्टार्ट करते हैं, नई उम्मीद के साथ, नए व्लॉग के साथ। चलिए आज का ये सफ़र शुरू करते हैं। तो सुबह सुबह देखिए, ये कुछ दिन पहले ना मैंने ये जो प्याज सफाई किया था, दादी थी, मैं थी, ये वो तो आप लोगों ने देखा ही था। अब क्या हुआ ना, फिर से इसमें से ना थोड़ा थोड़ा स्मेल आ रहा है। क्या हो रहा है? बरसात हो रहा है यहाँ पे, और ना बारिश और उमस बहुत ज़्यादा हो रही है। मतलब हल्का सा बारिश हो रहा है, धूप निकल जा रहा है, जिस कारण ना उमस बहुत ज़्यादा हो रही है। और उमस में सबसे ज़्यादा प्याज ख़राब होता है बरसात के मौसम में। ये ख़राब होने के चक्कर में ही मैंने इस साल सबसे कम लगाया था, नहीं तो हर बार ना मैं 10 किलो 12 किलो लगाती हूँ। इस बार खाली 6 किलो बीज लगाया था, उसमें भी देखिए उतना सारा प्याज हो गया था मेरा, लगभग 70-80 किलो हो गया था। तो उस दिन थोड़ा सा ख़राब निकल गया था, और आज थोड़ा सा ना ख़राब निकल गया। फिर साथ ज़्यादा नहीं था, हल्का ही था, मतलब एक किलो तक ख़राब निकल गया था। तो मैंने और जयेश ने मिलके, दोनों ने मिलके इसको साफ़ कर लिया। और फिर ना इसको अभी ये इन दिनों ना थोड़ा सा देख के रखना पड़ेगा। अभी फिर से 15-20 दिन बाद फिर से थोड़ा थोड़ा इसको साफ़ करना पड़ेगा, नहीं तो इसमें स्मेल, मतलब कुछ सड़ेगा, कुछ उसमें से फिर कीड़ा उड़ा होगा। तो इसीलिए ना प्याज को बहुत उससे रखना पड़ता है, देखभाल करके रखना पड़ता है। मतलब कुछ दिन बाद उसको देखते रहना पड़ता है कि सड़ रहा है, गल रहा है, क्या हो रहा है। और जयेश भी मेरे साथ हेल्प करा रहा है। एक्चुअली ना आज बहुत लेट हो गया था, जयेश का स्कूल था नहीं, और सुबह उठने में भी लेट हो गया था, और सारा काम करने में बहुत लेट हो गया था। 3 बजे तो मैं नहाई, और जयेश और मैं दोनों लोग मिलके जल्दी जल्दी करके सबसे पहला काम मैंने ये नाश्ता वास्ता करके सबसे पहले ये प्याज में हाथ लगाया। और क्योंकि मुझे पता था कि प्याज का ये करने पर घर बहुत गंदा होगा, उसके बाद पूरा ये बेडशीट आज सब चेंज करेंगे। और ये सब करने के बाद शाम को इतना ज़्यादा मेरा कमर पेन हो रहा था, मतलब मैं उठ नहीं पा रही थी। जब भी मैं बेडशीट धुल लेती हूँ ना, बहुत ज़्यादा कमर पेन होता है। ऐसा लगता है ना मैं बैठ पा रही हूँ, ना मैं उठ पा रही हूँ, मतलब नस फट जाएगा। ऐसा लगता है कि मन है जान शीरा छिड़े जाए, रखम लागे बैठा। और इधर देखिए, मैं उधर हॉल में ना प्याज सफाई कर रही थी, और जयेश ये बेडशीट चेंज किया, वो पीलो कवर जो दिख रहा है आप लोगों को, सब तकिए में उसने कवर चढ़ाया। और ये देखिए ब्लैंकेट भी समेट लेगा, मुझे लग रहा था कि नहीं समेट पाएगा, लेकिन इसको भी समेट लेगा। देखिए ये बाल्टी बैग के ऊपर जो भी है ना, सारा कुछ उसने चेंज किया है, बेडशीट पीलो कवर वगैरह सब कुछ चेंज कर लिया है। मुझे देखता है तो देख देख के सीख गया है, मतलब अगर मैं बीमार भी पड़ूँ, कुछ भी हो, तो वो मतलब भर का काम कर लेगा। छोटा है लेकिन दिमाग बहुत तेज है, गॉड गिफ्टेड है। उसके पापा का भी बहुत दिमाग तेज है। तो देखिए, मुझे लग रहा था कि कंबल नहीं वो समेट पाएगा, लेकिन समेट लिया कंबल को। और मुझे बोला, मम्मी आपके लिए एक सरप्राइज़ है। मैं जब उधर सफाई कर रही थी प्याज की, तो मैंने बोला क्या सरप्राइज़ है? बोले कि तुम आप जल्दी आओ इस रूम में, बेडरूम में। मैंने बोला कि चलो ठीक है, देखते। तो जाके देख रही हूँ कि बेडशीट चेंज किया है, पिलो कवर चेंज किया है। और अभी इधर देखिए, कॉलिन से ना ये टेबल को पोछ रहा है। कॉलिन एक्चुअली ख़त्म हो गया था, लास्ट में थोड़ा थोड़ा था, उसीलिए ऊँचा करके वैसे करके फेंक रहा था, क्योंकि टेढ़ा करके फेंकेगा तो गिरेगा नहीं। जिधर थोड़ा सा था तो उधर पाइप को ले जाके उधर से फेंक रहा था। बहुत हेल्प कराता है, बहुत अपने एज के हिसाब से बहुत काम कराता है। और प्याज वो साफ़ करने के बाद देखिए कितना गंदा निकलता है, आधे से ज़्यादा तो मैं फेंक के आई हूँ, फिर भी इतना सारा रह गया था। वो उड़ता है ना बहुत ज़्यादा। अब जाके थोड़ा सा घर का स्मेल कम हुआ है, इतना दिमाग ख़राब हो रहा था। मतलब घर में रहो तो पता नहीं चलता है, जैसे बाहर से मैं आती थी और फिर ना इतना बदबू आता था, लगता था कि दिमाग ख़राब हो जाएगा। खाली स्प्रे लगा स्प्रे कर के रहना पड़ता था। और ये बेडशीट वगैरह चेंज कर दे, बेडशीट धुल के ना जाली पे टांग देती हूँ, क्योंकि पानी बहुत रहता है, तो तार पे डायरेक्ट डालूँगी ना तो तार मेरा टूट जाएगा, इसलिए जाली पे डाल देते हैं।
तो जो है आराम से सूख जाता है। और आज तो 3 बज गया था, 3 बजे मैं ये कपड़े वपड़े डाली हूँ। मैं तो सोच रही थी कि कपड़े शायद जो है सूखेगा नहीं, लेकिन शाम तक सब सूख गया था। ज़्यादा धूप भी नहीं था, हल्का हल्का था, धूप छाव था, लेकिन सूख गया था। उमस है ना, तो इसी कारण सूख गया था। इस बार तो यहाँ पे बारिश ही नहीं हुआ फ्रेंड्स। आप लोगों के उधर बारिश हुआ है कि नहीं बताइएगा कमेंट पे। मतलब इधर बारिश ही नहीं हो रहा है, पता नहीं क्यों इतना ज़्यादा वो हो रहा है, उमस हो रहा है, बादल इतना हो रहा है कि लगेगा कि एकदम बारिश इतना आएगा कि पूरा बाढ़ हो जाएगा, लेकिन फिर पता नहीं बादल कहाँ गायब हो जा रहा है, बारिश ही नहीं हो पा रहा है। और मेरा कमर रात को इतना ज़्यादा दुख रहा था कि फिर मुझे दवाई लेना पड़ा। और उसके बाद फिर वो एक ऑइंटमेंट है कमर में लगाने के लिए, वो ऑइंटमेंट भी लगाया, फिर भी नहीं राहत मिला। बहुत ज़्यादा कमर पेन हो रहा था, डर लगता है ज़्यादा। मतलब यहाँ पे डॉक्टर्स का उतना अच्छा है नहीं ना सुविधा, तो डर लगता है थोड़ा सा। और फिर वो सब करके सब कुछ करके लंच वंच हो गया था, और जयेश के पापा गए थे ड्यूटी, और जयेश देख रहा था कार्टून, और मैं ना इधर कर रही थी सब कपड़े वपड़े जो भी थोड़ा बहुत था समेट रही थी। और ये देखिए कद्दू, एक कद्दू लगा है, दो लगा था, एक तो दादी उस दिन तोड़ के ले गई, और ये देखिए कच्चू है, इसको बोलते हैं अरबी, जो होता है ना अरबी, जो गाठी हम लोग बोलते हैं बंगाली में, तो उसी गाठी का ये पत्ता है, कच्चू पत्ता बोलते हैं, अरबी का पत्ता बोलते हैं। और देखिए पपीते के पेड़ में पपीता भी लग गया है, लगना शुरू हो गया है। तो ये जो अरबी का पत्ता है ना, इसका बहुत तरह का डिश बनता है। मैं अभी एक दो दिन में बनाऊंगी, आप लोगों को दिखाऊंगी, जो जिसको रिक्वाच बोलते हैं, पता नहीं आप लोगों को पता है कि नहीं, जो अरबी का पत्ता होता है ना, और उसमें चना दाल वगैरह पीस के उसमें मसाला मिला के उसमें लगा के फिर ना एक रोल टाइप का बनाना पड़ता है अरबी के पत्ते का, फिर उसको स्टीम करके पीस काट के फ्राई किया जाता है, बहुत टेस्टी लगता है। मैं जिस दिन बनाऊंगी आप लोगों को रेसिपी दिखाऊंगी, आप लोग ट्राई कीजिएगा, बहुत अच्छा लगता है। और ये वाला रेसिपी ना, वो अरबी के पत्ता का जो रेसिपी है, वो मेरी पड़ोसी जो थी, अभी यहाँ पे नहीं रहती, अभी थोड़ा दूर चली गई है, तो उन्होंने खिलाया था, बहुत अच्छा लगता है। और अभी कुछ ही दिन पहले मैंने सफाई किया था, मैंने और दादी ने मिल के, देखिए कितना घास हो गया है, घास साफ करते करते ही हम लोग, मेरा हाथ निकल जाएगा खुल के, इतना घास होता है। भिंडी के क्यारी में भी घास, और ना इसे खुरपी से साफ़ करते करते खुरपी लग गया था नाखून में, एकदम थोड़ा सा ब्लड आ रहा था, मतलब जानलेवा दर्द हो रहा था इतना ज़्यादा। और फिर शाम हो गया था, एकदम शाम हो गया था, तो ज़्यादा नहीं कर पाई, ये नीम के पेड़ के नीचे और भिंडी के क्यारी का आधा आधा मैंने कर दिया था, और बाकी जो है कल देखेंगे अगर मौसम सही रहेगा। इस टाइम ना बहुत ज़्यादा बादल गरज रहा था, और हवा भी चल रहा था अभी थोड़ी देर पहले, लेकिन अभी हवा बंद हो गया है बहुत ज़्यादा, लेकिन बादल गरज रहा था, लगता है कि रात को बारिश होएगा। अब पता नहीं, थोड़ा सा बारिश होना चाहिए, नहीं तो किसान लोग कैसे खेती करेंगे, है ना। हम लोग तो कोई कुछ उतना फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर सीज़न के हिसाब से बारिश नहीं होगा तो किसान लोगों का तो फसल ही नहीं होगा, और फिर फसलों का दाम बढ़ेगा, सब्जियों का दाम बढ़ेगा। और जयेश के लिए नया बुक्स आया है, तो वही बुक्स लेकर पढ़ाई कर रहा है, बहुत खुश है, देखिए। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज का वीडियो यहीं पे स्टॉप करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके साइड में जो बेल आइकन है उसको प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑल कर दीजिएगा। और व्लॉग्स विद केपी का साथ देने के लिए आप सबको बहुत बहुत थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि, और जयेश का मस्ती देखिए।